মোদি ম্যাজিকে উড়ে গেছে সব বিরোধী দল উত্তরপ্রদেশ। এই মুহূর্তে দিল্লির ছবি আপনাদের দেখাবো, লখনউ গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে একই ছবি। কৈলাস বিজয়বর্গীয় বিজেপি নেতা কি বলছেন শুনুন। জালিম কি রণনীতি অকালী দল কে হাত মে থি, আমারি সহযোগী কি ভূমিকা থি, ইসলিয়ে পঞ্জাব কা বর্ডন চুনাব হম লোগো কে পাস নাহি থা। কৈলাস বিজয়বর্গীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন। উল্লাস বিজেপির পতাকায় ছয় লাভ, যেদিকে দেখানো যাচ্ছে একই পদ্ম ফুলের ছবি দিল্লি সহ গোটা উত্তরপ্রদেশে। चलो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बनते ही नहीं रुक रहा और पूरी कामयाबी का श्रेय जो है अगर हीरोइक दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी, और अगर संगठन की दृष्टि से तो अमित भाई, तो इन दोनों का जो इनविंसिबल टीम है उसके कारनामे है। उत्तर प्रदेश में वनवास खत्म, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का वनवास खत्म, बाकी और कई प्रदेशों में काम जारी है। मोदी 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 मोदी। देखिए वो तो है ही, और मैं कल भी ये संज्ञान में अपने ले रही थी तो मैंने कहा जैसे राम जी ने सब कुछ किया तो उनको लक्ष्मण की आवश्यकता जरूर थी, तो यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित भाई हैं और दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही इनविंसिबल और शानदार काम करने की श्रेणी है। मीनाक्षी जी, आप एडवोकेट भी हैं, राम लक्ष्मण आपने बताया, लेकिन असली राम का वनवास कब खत्म होगा अयोध्या में, जब सरकार आपकी बन जाएगी तो? नहीं, वो भी होगा, वो भी खत्म होगा। राम मंदिर बनेगा, राम राज्य भी स्थापित हो ही रहा है, राम मंदिर भी बनेगा, मंदिर भी, मंदिर की तो हमारी व्यक्तित्व की बात पहले से ही है, और जो भी उसमें कुछ चीजें उलझी हुई है कोर्ट कचहरी के मामले, उसको भी सुलझाया जाएगा।